हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छोटू के किचन में। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है, क्यों नहीं एक अलग तरीका से चाय बनाया जाए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सिंपल और एकदम आसान तरीका से घर में चाय बनाना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम सस्पेन को हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी को हम उबलने तक इंतजार करेंगे। अब पानी में अब उबाल आ चुका है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक को हम कूट करके डालेंगे और साथ में हम इलायची भी डालेंगे। 2 मिनट हम इसे उबलने देंगे ताकि इसका अच्छे से टेस्ट पानी में मिल जाए। आप देख सकते हैं पानी का भी थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। आप देख सकते हैं चाय पत्ती अपना पूरा कलर छोड़ चुका है। इसी टाइम पे चाय पत्ती फ्लेवर छोड़ती है दोस्तों। इसी टाइम पे हम दूध को डालेंगे दोस्तों। अब हम उबाल आने तक इंतजार करेंगे। दूध में अब उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हम थोड़ा थोड़ा करछुल से चलाते रहेंगे। चाय को हम मीडियम फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट इसी तरह तैयार करेंगे। करछुल से चाय को चलाने पे आपकी चाय का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं चाय का कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे 1-2 मिनट और पकने देंगे। चाय अब पूरी तरह तैयार है। अब हम इसे छान लेंगे। अब हम चाय को छान लेंगे कप में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है चाय का। अगर आपके घर में गेस्ट आए तो जरूर इस तरीका से चाय बनाएं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और दिन। जय हिंद।